डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गामा के क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस चैप्टर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस को हम लगाएंगे भी, और उससे पहले हम चैप्टर्स की स्टार्टिंग भी जानेंगे कि चैप्टर्स में है क्या। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सिंपल सा है कि जो हमें नंबर्स हैं उनको हमें अरेंज कैसे करना है, अरेंज करने का स्मार्ट वे क्या है, किस तरह की संभावना हो सकती है, वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे इन दिस वीडियो सीखेंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपसे हम पूछें, एक एग्जांपल हम लेते हैं आपसे, अगर आपसे पूछा कि एक कोई थिएटर है, कोई एक थिएटर है, मूवी थिएटर है तो मूवी थिएटर में मेंबर्स बैठे हुए हैं, लगभग होंगे 100-200, ठीक है, 400 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, अनकाउंटेड है। ठीक है, उनसे आपसे पूछा गया कि वहाँ पे जो मेंबर्स बैठे हुए हैं उनसे पूछा गया कि यहाँ पे टोटल मेंबर्स कितने हैं। ठीक है, यानी इस थिएटर्स में टोटल नंबर कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, बहुत से लोग क्या करेंगे, उसको एक एक करके काउंट करेंगे, अगर इसी का स्मार्ट वे कोई बैठा हुआ है, यानी स्मार्ट कोई बंदा है, वो क्या करेगा, वो पूछेगा कि टोटल सीटें कितनी हैं, अगर किसी ने बताया कि सपोज 400 हैं। ठीक है, क्योंकि जिसका भी थिएटर होगा उसको तो पता होगा कि हमारे घर में कितने सीटें हैं, पता होगा, यानी 400 सीटें हैं। अगर उसमें 10 मेंबर्स एब्सेंट हैं, यानी अगर उसने क्या किया, जो लोग की सीट खाली है, जितनी सीटें खाली हैं उनको काउंट कर लिया, यानी हमने काउंट किया 10 है कि 10 एब्सेंट हैं, तो अगर हम पूछें आप इसमें कितने मेंबर होंगे तो क्या बताओगे, 390 मेंबर होंगे। तो ये क्या हो गया बेटा, स्मार्ट वे हो गया। और जो हमारा जहिलपन वाला हुआ, यानी कि जो सिंपल वे हुआ, वो क्या हुआ, एक एक करके काउंट करना, यानी अगर हम 400 काउंट करेंगे तो हमें क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर हमें 10 मेंबर्स को काउंट करना हो टाइम कम लगेगा। तो मेथड कौन सा इजी होगा हमारा, ये वाला इजी होगा कि अगर आप एब्सेंट को निकालेंगे और एब्सेंट में टोटल सीटों में हम माइनस कर दें तो हमें टोटल प्रेजेंट निकल के आएंगे। बस इसी चैप्टर में हमको इसी चीज़ पे डिस्कशन करना है, इसी टाइप के क्वेश्चन सर आएंगे। ठीक है, अब हमारा आता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को दो टाइपों में डिवाइड किया गया, एक तो पहला मल्टीप्लिकेशन में, दूसरा हमें एडिशन में। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन। ठीक है, पहले हम जानेंगे कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है और एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है क्या। तो पहले हम थोड़ा सा इसको रेज कर देते हैं नीचे का, देन उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अब इसमें अगर हम एक मेथड लेते हैं, मेथड क्या लेते हैं, सपोज अगर हमने बात की अमित है, ठीक है, और यहाँ पे कोई हो गया आशीष हो गया, ठीक है, यहाँ अमन हो गया, क्या हो गया, अमन हो गया, यानी ये तीन मेंबर हैं, क्या हैं, तीन मेंबर हैं, एक अमित, एक आशीष, दूसरा अमन। ठीक है, अगर अमित को घर से आशीष से घर जाने में चार वे हैं, कितने वे हैं, फोर वे हैं, कितने वे हैं, फोर वे हैं, और आशीष को अमन के घर जाने के लिए कितने वे हैं, टोटल तीन वे हैं, थ्री वे हैं। अब हमारा क्या होगा, अमन के घर आशीष के अमित के घर से आशीष के लिए फोर वे, और आशीष से अमन के घर के लिए तीन वे हैं, यानी तीन रास्ते हैं। ठीक है, तो अगर हम टोटल वे पूछें तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 वे आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 12 वे आ जाएंगे। आए कि नहीं समझ में। अगर हम इस पर अब बात करें कि अमित को आशीष के घर, अमित को आशीष के घर जाने के लिए तीन तरीके से वो घर जाता है, कौन कौन से वो भी हम बताते हैं, अमित और यहाँ पे आशीष। अगर बाइक किससे जाता है, बाइक ट्रेन जाता है, तो कितने रास्ते हैं, चार रास्ते हैं, फोर वेज हैं।
अगर बाइक बस जाता है कितने हैं, थ्री वेज है, और अगर बाई एयर जाता है तब हमारे कितने रास्ते हैं, थ्री वेज हैं। यानी हमारा क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो अमित है वो आशीष के घर तीन तरीके से जाता है। पहला तो जाता है हमारा किससे, बाई ट्रेन जाता है, दूसरा जाता है किससे, बाई बस मान लो, बाई बस, और तीसरा बाई एयर यानी एरोप्लेन से जाता है, कितने, थ्री वे से। ठीक है, तो अब हम अगर हम पूछें कि अमित को आशीष, अमित टू आशीष होम, आशीष होम, तो टोटल वे कितने हो जाएंगे, फोर प्लस थ्री प्लस थ्री, यानी हो जाएगा कितना, फोर सिक्स सेवन, और यहाँ पे हो जाएगा टेन वेज, कितने हो जाएंगे, टेन वेज। यानी मींस क्या निकला, मींस हमारा टोटली ये निकला कि एडिशन जब हम करेंगे और मल्टीप्लिकेशन कब करेंगे। देखो पहला हमारा है अमित से आशीष के घर जा रहा है, यानी ये कंडीशन अलग है, यानी आशीष से अमन के घर जा रहा है, ये कंडीशन अलग है। जब दो चीज़ें अलग अलग हों तब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर अमित और आशीष दोनों सेम है ना, जा रहा है दोनों के घर ही जा रहा है ना, तो अगर मेथड अलग हो रहा है, यानी ट्रेन बस और एयर आ रही है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जो वर्क हो रहा है वो क्या हो रहा है, सेम वर्क हो रहा है, तो हमारा जाएगा कितने टाइम्स, प्लस होगा, यानी टेन वेज। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अगर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा इसको रेस करते हैं, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे बाय वन वन, आपको पूरा वीडियो को एंड तक देखें जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अगर क्या किया जाता है, थ्री सिक्के ले लेते हैं, क्वाइंस, क्या ले लेते हैं, क्वाइंस। अगर थ्री क्वाइंस ले लेते हैं, अगर हम इस वन को क्वाइंस कर लें, इसको सेकंड क्वाइंस मान लें, इसको थर्ड क्वाइंस मान लें, तीन सिक्के ले लेते हैं, तीन सिक्के ले लेते हैं, उसमें हमारा क्या होगा, एक तो होगा हेड होगा, दूसरा क्या होगा, टेल होगा। एक तो हेड होगा, दूसरा क्या होगा, टेल होगा। दो ही चीज आने की संभावना होगी ना, दो चीज आने की संभावना होगी ना। अगर हमारा तीन टेंस उठाते हैं, यानी किसी भी सिक्के को हम थ्री टेंस क्या करते हैं, उसे एक साथ उछालते हैं, यानी तीन सिक्के हैं उनको हम एक साथ उछालें, तो हमें क्या क्या आने की संभावना हो सकती है। पहले तो अगर आएगी हमारी जो आएगी वो क्या आएगी, हेड और टेल आएगी। हेड है जा सकती है, क्या आ सकती है, हेड जा सकती है। दूसरी क्या आ सकती है, हेड टेल, टेल आ सकती है। तीसरे में क्या हो सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, और दूसरे में क्या हो सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है। ठीक है, और तीसरे में हमारा टेल टेल और टेल आ सकता है, यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, इतने हो गए, यानी हेड हेड आ गया, टेल टेल आ गया, हेड टेल हेड टेल हेड आ गया। अब हमारा क्या हो सकता है, टेल हेड टेल भी आ सकता है। ठीक है, और हमारा क्या आ सकता है, टेल हेड हेड भी आ सकता है। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है, यानी हमारा हेड हेड आ गया, हेड टेल हेड आ गया, हेड टेल टेल आ गया, हेड टेल टेल आ गया, हेड टेल टेल आ गया। ठीक है, अब हमारा एक ये भी आ सकता है कि हमारा जो साइड साइड में क्या हो, टेल हो और बीच में हेड हो। ठीक है, एक ये भी कंडीशन बन सकती है, यानी कि अब हमारे जो टोटल वे हैं कि दो दो टू आ सकते हैं, या हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब हमारे उसे कितने टाइम्स उछाला गया, थ्री टाइम्स उछालेंगे। जब थ्री टाइम्स उछालेंगे तो कितना हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, यानी आ गया एट, दैट इज आंसर। ठीक है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, देखो समझने की कोशिश करना, कबाए बिल्कुल बात नहीं। हमारे तीन सिक्के हैं, थ्री कॉइन्स हैं, एक दो तीन। ठीक है, और हमारे एक सिक्के में दो ही वे हो सकते हैं, यानी आएगा हेड या फिर टेल आएगा। अब अगर हमारा क्या आ गया, पहले हेड हेड आ गया, दूसरे में टेल टेल आ गया, तो ये सारी चीज़ें कैसे समझेंगे, इनको हम अच्छे से ग्राफिकली आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, यानी कि एक हमारा सिक्का हो गया, ये हमारा वन नंबर सिक्का हो गया, काउंट हो गया वन वाला, इसमें क्या आएगा, हेड
और टेल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। फिर दूसरे में क्या आ जाएगा हमारा, इसका हेड या फिर टेल, इसका क्या आ जाएगा, हेड या फिर टेल। ये कौन से क्या हो गया, ये हमारा कॉइंस हो गया सेकंड, कौन सा हो गया सेकंड। फिर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा आ जाएगा थर्ड कॉइन, कौन सा आ जाएगा, थर्ड वाला कॉइंस। इसमें क्या आएगा, हेड या फिर टेल, हेड या फिर टेल, हेड या फिर टेल, हेड या फिर टेल, ठीक है। अब हमारे इसमें टोटल वे कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितने हो गए, 8 वे हो गए ना। देखिए हमने कैसे समझाया आपको, अच्छे से समझिएगा। पहले तो हमने ये मेथड बताया, नॉर्मली मेथड है कि हमारा हेड हेड आएगा, टेल टेल आएगा, हेड टेल हेड आएगा, टेल हेड टेल आएगा, इस तरीके से हो सकता है। दूसरा हमारा मेथड ये है कि जो जितने वे आने के हैं, यही टू आएंगे, हेड या फिर टेल, कितने टाइम्स उछाल लें, काउंट करें, 3 टाइम्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अदरवाइज हमने क्या किया, पहला सिक्का लिया, दो वे होते हैं हेड या फिर टेल, वो क्या, अब हमारे जो दूसरा वे हो जाएगा, दूसरा सिक्का होगा, वो क्या होगा, हेड होगा या फिर टेल होगा। उसी तरह हमारे इसमें भी होगा, हेड होगा या फिर टेल होगा। उसी तरह हमारा फिर क्या होगा, हेड और टेल, हेड और टेल जो आया उसमें भी हमारा हेड या टेल होगा, हेड या फिर टेल होगा। यानी इनको भी हमने अगर काउंट किया तो मेरे कितने वे हुए, 8 वे हुए। समझ में आया नहीं आया आपको, अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यानी कि हमें पता लग गया कि अगर हमें क्वाइंस वाले क्वेश्चंस आएंगे तो हम क्या करेंगे, जितना हमारा टाइम्स उछालेगा, यानी उनको क्या करेगा, एक साथ उछालेगा, उतनी हम क्या रखेंगे, पावर रखेंगे, और हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज आंसर समझ में आ गया, ठीक है। अब हम इसी की बात करेंगे कि अगर हमें क्या करना हो, पासे को उछालना हो, किसको उछालना हो, पासे को उछालना हो, तो उस टाइप में हमारे कितनी कंडीशंस बनेंगी, ठीक है। पासे को अगर हमें उछालना है, अगर दो अलग अलग तरीके के हमारे क्या हो, पासे हो, तो उसमें हमारे कौन सी कंडीशन बनेंगी, इसको पहले हम रेस करते हैं, देन अच्छे से हम समझते हैं उसको भी, ठीक है। अगर हमारे क्या है, एक कोई पासा है, ठीक है, एक कोई हमारा लूडो वाला क्या है, पासा है, उसमें हमारे कितने होते हैं, 6 होते हैं, मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। ये डिफरेंट करके हमारे क्या है, दो पासे हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है, दो पासे हैं। इनको हमें एक साथ उछाला, इनको हमने एक साथ उछाला तो क्या हो जाएगा, हमने बताया था जो टोटल कितने हैं, 6 आने की वे हो, 6 आ सकता है, और ऊपर कितने टाइम्स उछाला मैंने, 2 टाइम, तो आंसर क्या हो गया, 36 हो गया। ये तो आपने रेक्टिफिकेशन कर लिया। अब इसको अगर हम एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, अगर हमने क्या किया, 1, 2, 3, 4, इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, 1, ठीक है। यानी कि अब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हमने क्या बताया, ये हमारे 36 वे हो गए, यानी इनको अगर आप काउंट करेंगे ये क्या होंगे, 36 ही होंगे। क्यों, हमने बताया कि जैसे अभी हमने पासे में बताया था, किसमें बताया था, कॉइंस में, सॉरी कॉइंस में बताया था, तो इसमें क्या आने की संभावना थी, हेड हेड आएगा। अब इसी तरह इसमें क्या होगा, इन दो पासों को एक साथ उछालेंगे तो हमें क्या कंडीशन बनेंगे, 36 वे बनेंगे, यानी हमारा 1-1 भी आ सकता है,
वन टू भी आ सकता है, वन थ्री भी आ सकता है, वन फोर भी आ सकता है, वन फाइव भी आ सकता है, वन सिक्स भी आ सकता है। दैट इज यानी कुल मिला के हमारे 36 ही तो वे बनेंगे बनेंगे ना। अगर इसी को हम क्या करते हैं, जैसा अभी हमने ग्राफ के लिए आपको टी बना के बताया था, वैसे ही अगर इसको भी हम बनाएं तो वो भी हमारे क्या होंगे, सेम यही बनेगा। ठीक है, यानी हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि अगर हमें किसी के दो चीज़ें एक साथ हमें काउंट किए, दो काम, एक काम करने को एम तरीके लगते हैं और दूसरे काम करने को एन तरीके लगते हैं, दोनों का अगर हम पूछें कि दोनों कितने टाइम लगेंगे, दोनों एक साथ किए जाएं, तो क्या करेंगे, एम मल्टीप्लाई एन करेंगे, यानी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से समझना, एक काम को करने को एम तरीके लगते हैं, दूसरे काम को करने को एन तरीके लगते हैं, दोनों को अगर हम एक साथ करें तो कितना वर्क लगेगा, कितने वे लगेंगे, मेथड लगेंगे, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, समझ लेना। ठीक है, अब देखो हमने क्या बताया था, सिक्स वे वाला बताया था ये ग्राफ कल कैसे बनेगा इसका, इसमें हमारे जो बनेंगे वो सिक्स बनेंगे। ठीक है, इसके फिर हमारे क्या होंगे, सिक्स होंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, देखो ध्यान से समझना, ध्यान से ये समझना, हमारा वर्ग क्या हुआ, इस पासे को आपने उछाला तो कितना आया, सिक्स आया, अब इस सिक्स को फिर से उछाला तो कितना हुआ, सिक्स आया, यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, ट्वेल्व हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, कितना हो गया, 18 हो गया, या वन टू थ्री 18 में 6 प्लस करेंगे 24 हुआ, 24 में 6 प्लस करेंगे 30 हुआ, 30 में 6 प्लस किया 36 हुआ, यानी क्या हुआ, आंसर सेम आया कि नहीं आया। हमने क्या बताया, जो मेथड बताया उसी से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको कभी भी गलत क्वेश्चन नहीं होंगे, समझना। हमने क्या किया, टोटल सिक्स है, यानी हमारे किसी भी पासे में बात करेंगे तो हमारे सिक्स ही तो होंगे, लूडो वाले पासे की हम बात कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा नंबर आने की संभावना कितनी है, सिक्स है। उन सिक्स का अगर हम क्या करें, दो टाइम एक दो सिक्के अलग अलग सिक्के हैं, दोनों को एक साथ उछाला, हमने क्या किया, अलग अलग बने, यानी पहले हमारे सिक्स आने की संभावना हुई, उनसे क्या हुई, सिक्स आने की संभावना हुई, तो यानी टोटल वे कितने हुए, 36 हुए कि नहीं हुए, आई बात समझ में या नहीं आई, इतनी बात आपको अच्छे समझ में आ गई, तो अब आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आएंगे। एक्सरसाइज का हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं, अब हमारा एक्सरसाइज का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है, एनसीईआरटी बुक के बेटा क्वेश्चन है, तो बुक को आपको क्या करना होगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा, यानी पीडीएफ मिल जाएगी, उस क्वेश्चंस को आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा और उनसे वन बाय क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्मेट फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4 and 5, एज्यूम दैट हमें कंडीशन दी है कि अगर हमारा क्या हो, रिपीटेड नंबर हो या फिर नॉट रिपीटेड हो, यानी अगर पहली कंडीशन बोले कि हमारा जो नंबर हो वो रिपीटेड हो सकते हैं और दूसरी कंडीशन बोल रही है कि वो नंबर हमारे जो डिजिट होंगी वो रिपीटेड नहीं हो सकती, हमें नंबर लेने कहाँ से हैं, 1 से लेके 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, हमें क्या करना है, तीन नंबर बताने हैं, तीन नंबर के कौन कौन से वे हो सकते हैं, हाउ मैनी नंबर्स थ्री डिजिट नंबर्स, हमें थ्री डिजिट नंबर्स कितने हो सकते हैं वो हमें बताने हैं। ठीक है, हमें जो पहला नंबर है वो कितने हैं, 5 है ना, यानी पहले पे आने की संभावना कितने होगी, 5 नंबर्स की होगी, होगी कि नहीं होगी, दूसरे पे दूसरे के प्लेस में कौन से होगी, 5 की होगी, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे रिपीटेड बोल रहा है, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा ये होगा
कि अगर हमारा जो पहला नंबर है उस पे हमारा दूसरा नंबर आ सकता है ना, यानी अगर हमें इन पांच नंबर दिए हुए हैं, फाइव नंबर टोटल दिए हुए हैं, इनमें हमारा जो पहले नंबर की आने की कंडीशन है वो ये है कि मेरे टोटल फाइव आ सकते हैं, ये कोई भी आ सकता है, वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर फाइव भी आ सकता है। अब अगर हमें दूसरे की बात करें तो हमारा क्या कह रहा है, कैन बी रिपीटेड, उनमें दोबारा भी आ सकता है, तो हमारा कितना होगा, फाइव होगा। इसी तरह हमारा क्या होगा, फाइव इस पे भी होगा, यानी हम क्या करेंगे, फाइव का मल्टीप्लाई फाइव के साथ, फाइव का मल्टीप्लाई फाइव के साथ, यानी टोटल आ जाएगा 120 नंबर्स। कितने हो जाएंगे, 120 नंबर्स। आया कि नहीं आया समझ में। दूसरा क्वेश्चन इसी का हमारा जो सेकंड पार्ट बोल रहा है, वो सेकंड वर्ड बोल रहा है कि हमारा जो नंबर होंगे वो रिपीट नहीं होंगे, जो नंबर एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। तो अगर हम बात करें जब नहीं आने की, तो पहले पे हमारा तो फाइव ही आएगा, दूसरे पे क्या आएगा, जो हमारा फाइव हो चुका हो यानी एक हमारा आ चुका है, तो ये आएंगे कितने, फोर आएंगे। इसी तरह यहाँ पे आ जाएंगे थ्री, तो यहाँ पे आ गया कितने नंबर्स, 5 × 4 × 3 कितना हो गया मेरा, 5 × 4 = 20, 20 और 30 कितना हुआ, 60 हुआ। आया कि नहीं आया समझ में, यानी हमारे क्या हो गया, नंबर टोटल निकल के आ गए फाइनली। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। देन अब बात करेंगे एक्सरसाइज के सेकेंड नंबर क्वेश्चन की। अब हमारा आता है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, हाउ मैनी 3-digit इवेंट नंबर्स कैन बी फॉर्मेट फ्रॉम द 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर तक हमें दिए हुए हैं इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। हमें कह रहा है कि हमें बताने हैं हाउ मेनी 3 digit की और से कौन से नंबर हो पाएंगे, इवन नंबर बताने हैं हमें, और 1 से लेकर 6 तक दिए हैं इफ द कैन बी रिपीटेड, जो हमारे नंबर्स हैं वो हमारे रिपीटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या कंडीशन दी हुई है, तीन चीजें दी हैं, 3 digit नंबर बताने। अब हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा, हो गया। अब हमारे टोटल नंबर ऑफ वे, यानी अगर हमें किसी भी नंबर को पहचानते हैं कि इवन नंबर कैसे होगा, तो यानी हम क्या करते हैं, उसके लास्ट नंबर को पहचानते हैं, यानी अगर हमारा जब लास्ट नंबर इवन होता है तभी तो हमारा क्या वो नंबर कहलाता है, इवन नंबर कहलाता है। उसी तरह अगर हम इसमें बात करें तो इसमें से इवन नंबर हमारे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसमें इवन नंबर हमारे 6 है, 4 है और 2 है, तो इसमें क्या आएगा, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है, यानी ये तीन नंबर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, 3 वे हो गया, 3 मेथड हो गए। अब हमने क्या बताया था, इसमें टोटल वे आने की कितनी संभावना है, 6 है, और हमारा कह रहा है कि इसमें कैन बी रिपीटेड, जब रिपीटेड की बात करेगा तो हम उसके बाद इसमें भी वही नंबर लाएंगे जो टोटल नंबर आने की संभावना होगी। ठीक है, क्या बताया मैंने, मैंने ये बताया कि इसमें क्या कह रहा है कि टोटल नंबर जो दिए हैं वो 6 नंबर दिए हैं, और हमें कह रहा है कि इवेंट नंबर का बताना है कि उसमें क्या फॉर्मेट बन सकता है। अब हमारा जो लास्ट डिजिट है, यानी जो लास्ट डिजिट होगी उसमें इवेंट नंबर कौन कौन से आ सकते हैं, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, इन 3 आ सकते हैं, यानी इसके टोटल वे कितने हो गए, 3 हो गए ना, टोटल वे कितने हुए, 3 हुए ना हुए, हो गए। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसका पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 36 और 3, यानी आ गया 3 × 4 = 12, 3 × 6 = 18, और 1 कैरी गया, 3 × 9 = 10, 108 आंसर आ जाएगा फाइनल। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे हमारा ये 3 कैसे आया, क्यों आया। हमने बताया लास्ट डिजिट तभी हम पहचान पाएंगे इवेंट नंबर की जब हमारे लास्ट डिजिट से हम पहचानते हैं, उसी तरह हमारे इनमें से आने की संभावना जो इवेंट नंबर है वो हमारे सारे आ सकते हैं। इसमें टोटल नंबर 6 है तो हमारे फर्स्ट में टोटल 6 आ सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि कैन बी रिपीटेड, तो रिपीटेड में जब बोलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे वाले प्लेस पे भी 6 नंबर आने की संभावना होगी। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, हाउ मेनी 4-letter code कैन बी फॉर्मेट यूजिंग द फर्स्ट 10 letters, जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के 10 letter होते हैं, यानी स्टार्टिंग के जो हमारे 10 alphabet होते हैं उनसे हमें 4 letters बताने हैं, कोड बनाना है, अगर उनमें से कोई भी नंबर रिपीटेड ना हो, कैन नॉट बी रिपीटेड,
जब कैन नॉट बी रिपीटेड की कहानी होगी तो हमें टोटल नंबर जो बनाने हैं वो कितने बनाने हैं, 4 डिजिट बनाना है। तो पहले नंबर आने की संभावना कितनी होगी, 10 होगी ना। पहले वाले प्लेस पे आने के लिए 10 नंबर आने की, 10 अल्फाबेट आने की संभावना होगी कि या नहीं होगी, होगी ना। उसी तरह दूसरे में क्या होगा, 9 आएंगे, क्योंकि नॉट रिपीटेड उनमें से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो यानी यहाँ पे कितना होगा, 9 होगा। उसी तरह यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा फिर 7। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे 72 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 10, यानी हम क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 पे करेंगे 14, 1 कैरी गया, 7 बन जा 7, 49 है, 50 आया और यहाँ पे वो 40, यानी हमारा ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अब हमारा 5th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंसिडर्ड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। क्या बोल रहा है, 0 to 9 नंबर तक हमें क्या करना है, यूज करना है, यानी कितना होगा, 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल नंबर होंगे हमारे कितने, 10। टोटल नंबर 10। अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग विद 6 and 7, यानी जो स्टार्टिंग का नंबर होगा वो कितना होगा, 6 और 7 होगा, यानी हमें टोटल नंबर बताने कितने हैं, 5 डिजिट नंबर बताने, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट नंबर। पहले में हमारा हुआ 6, दूसरे में हुआ 7, क्योंकि कह रहा है 67 क्या होगा, स्टार्टिंग में नंबर होंगे, होगा कि नहीं होगा। एंड नो डिजिट अपेयर्स देन मोर देन 1, ठीक है, जो एक बार नंबर आएगा वो दोबारा नहीं आएगा, बोल रहा है नो डिजिट अपेयर यानी दो रिपीट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारे टोटल नंबर अगर हमारे 6 और 7 हो गए तो बचे कितने नंबर, अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 8 ही तो नंबर बचेगा, तो यहाँ आएगा हमारा कितना, 8 आएगा, कितना आएगा, 8 आएगा। अब उसके बाद कह रहा है कि उनमें हमारे जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 है तो अब बचे कितने, 7 बचे, तो यहाँ कितना आएगा, 7। अब यहाँ पे कितने बचे, 6 बचे, कितने बचे, 6 बचे। अब ये नंबर्स का हमें क्या होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, ये हमारे फिक्स नंबर हो गए, क्या हो गए, फिक्स नंबर हो गए। जब फिक्स नंबर की बात होगी तो वो नंबर हमारे काउंट नहीं होंगे, तो हमारे टोटल वे कितने हो जाएंगे, हमारे 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, यानी हमारा इसका जगह हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 7 जो होता है 56, और 56 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करें, 6 6 36, 3 कैरी गया तो 6 30 30 में 36 आएगा, दैट इज आंसर हुआ। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज का 6 नंबर क्वेश्चन क्लियर करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4th है, बाय मिस्टेक मेरा क्वेश्चन नंबर 5th आ गया था, नंबर डाल दिया था, बट क्वेश्चन नंबर मेरा वही था। कह रहा है ए क्वाइंस इज द टॉस्ड 3 टाइम्स एंड ही आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। यानी कि अगर हमने क्या किया, किसी भी क्वाइंस को 3 टाइम्स उठाया, यानी तीनों क्या है, डिफरेंट है, यानी एक क्वाइंस हमारा क्या है, 1, 2 और 3, 3 क्वाइंस हैं, इनमें आने की संभावना क्या होगी, एक तो आएगा या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दो ही चीज आ सकती है, एक तो आएगा हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो इसमें क्या है, हेड आया है फिर टेल आया, फिर क्या हो गया, इसके बाद हमारा जो दूसरा वाला होगा कॉइंस, या तीन कॉइंस हैं तो दूसरे वाले कॉइंस में क्या आएगा, यहाँ पे होगा दूसरे वाला कॉइंस, उस पर आने की संभावना क्या होगी, हेड होगा या फिर टेल होगा, हेड होगा या फिर टेल होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी अब हमारे जब दूसरे वाले में आ गए, दूसरे वाले में क्या आ गए, एक तो आ गए हेड या फिर टेल, यानी ये वाली कंडीशन, और दूसरी वाली क्या आ गई, हेड या फिर टेल आ गई, हेड वा टेल आ गई। अब इसमें भी हमारे हेड और टेल आने की संभावना है, क्योंकि 3 टाइम्स उछालना है, 3 टाइम्स हम इसको उछालेंगे तो हमारे हेड और टेल आने की इसमें भी संभावना होगी,
तो यानी हमें टोटल वे कितने हो गए, टोटल वे हो गए वो हमारे टोटल वे कितने हो गए, 8 हो गए। कैसे हो गए? 8 हो गए। फिर से समझना, यानी कि अगर हमारा एक कोई सिक्का है वन टाइम अगर हमने उसको उछाला तो आएगा हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यही दो में से एक कोई आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसमें अब हमारे क्या होंगे, जब दूसरी टाइम की बात करेंगे हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इस पर फिर हम बात करेंगे तो क्या आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा दूसरे टाइम पे। जब हम तीसरे टाइम उछालेंगे तो क्या हो जाएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, हेड आएगा फिर टेल आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इन सबको अगर हम काउंट करें, इन सबको अगर हम काउंट करें इधर वाले, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 8 होंगे कि नहीं होंगे। काउंट करिए, काउंट करिए, यहाँ पे हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल नंबर ऑफ कितने हुए, 8 हुए ना। ऐसे नहीं समझ में, जैसा भी हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जो हेड और आने की संभावना कितनी है, दो है ना, कितने टाइम्स उछालना है, 3 टाइम्स। जब हम इनको मल्टीप्लाई कर दें 2 × 2 यानी आ जाएगा 8 आ जाएगा आंसर। आया समझ में, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन हुआ, लास्ट नंबर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर लास्ट है, आपको अच्छे समझना है, यानी फाइनली ये एक्सरसाइज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हमारा कह रहा है गिवेन 5 फ्लैग्स ऑफ द डिफरेंट कलर, जिनके कलर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल्स रिक्वायर्स टू द 2 फ्लैग वन ब्लो और द अदर। ठीक है, कह रहा है कि अगर हमारे 2 फ्लैग हैं, कितने फ्लैग हैं, 5 फ्लैग हैं, उनको अलग अलग 2 सिग्नल दिए जाते हैं, कितने दिए जाते हैं, 2 सिग्नल दिए जाते हैं, और उनमें हमारे जो कैन रिपीटेड नॉट रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 × 4, 5 × 4 का मतलब हुआ कि 20, दैट इज आंसर। यानी उनके 20 क्या हो जाएंगे, वे हो जाएंगे, रास्ते हो जाएंगे दिखाने के। ठीक है, यानी कि हमें टोटल जो दिया था वो कितने फ्लैग थे, 5 थे। अब उनमें से अगर हमारा जो रिपीट नहीं होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा, 4 ही होगा ना, तो हमारा आ गया कितना आंसर, 20। दैट इज आपकी एक्सरसाइज फाइनली कंप्लीट हुई। इसकी जो आपको PDF क्वेश्चन की है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंडों को भी शेयर करिएगा।